हम बहुत खुश क्योंकि आज हो गई यूनिवर्सिटी की छुट्टी और ज्योति दीदी ने बुलाया है घर पर। मैं ऑटो में आ रही थी और ऑटो वाले ने मुझे बाहर ही उतार दिया। रीज़न है ये, आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारा जाम और ये स्कूटी आ रही है और मैं पैदल जा रही हूँ। गाइस खतरा है, बहुत सारा जाम है गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी अभी जैसे ही मैं किसी सेफ प्लेस पे पहुंचती हूँ। मैं यहाँ से निकल कर आई हूँ और देखिए अब मुझे नहीं पता है मुझे ऑटो मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। सो पैदल चल रहे हैं, देखते हैं ऑटो मिलता है या नहीं मिलता। और यहाँ पर भी गाड़ियों का जाम। सो वाओ वेल डन, छुट्टी की शुरुआत अच्छे से हुई है। खैर आज तो वर्किंग था बट मैं छुट्टी ले चुकी थी, छुट्टी हो गई है और कल 3 दिन की छुट्टी है। और लेकिन देखिए अभी डिनर पे हमको इनवाइट है और डिनर पे हम जा रहे हैं। सागर अपने वर्क, सागर काम से गया है और मेरी यहाँ पे परेड हो रही है। चलिए घर पहुँच के बताऊँगी क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। बाय बाय गाइस, हम पहुंच गए हैं, मैं पहुंच गई हूँ ज्योति दीदी के घर। मुझे 10 मिनट लगे पैदल चलने में, 10 से 15 मिनट। और आते ही हमने सूप पी चुके हैं और मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। और अब ये हमारी लिटिल चैम्प रोनिका बनाने जा रही है, लिटिल चैम्प रोनिका बनाने जा रही है ब्रेड पिज़्ज़ा। सो आज हम ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी दिखाने वाले हैं आपको। सरोनिका आप क्या कर रहे हो? मैं अभी प्याज कट कर रही हूँ। सरोनिका चॉपिंग स्टेज पे है, प्याज कट कर रही है। और रोनिका ने ये बोर्ड बहुत ही श्रद्धा से खरीदा है। श्रद्धा से कौन सी शॉप से खरीदा है? नाम ही नहीं पता। ओके, बस बोर्ड देखते ही पसंद आ गया, दुकान जाए तरक्की करने। ठीक है, ऑनियन बहुत ही प्यार से काट रही है। ठीक है गाइस, पहले तो आपको चॉपिंग करनी है, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ सामान रखा है रोनिका ने। चीज़, पिज़्ज़ा टॉपिंग, मेयोनीज और ब्रेड साथ में रख लिया है। और जैसे ही चॉपिंग होती है वैसे ही हम मिलते हैं। गाइस मैं आपको आफ्टर चॉपिंग दिखाने वाली थी बट थोड़ा सा ऊपर फेस करेंगी रोनिका। रोनिका की सासू माँ रोनिका से बहुत प्यार करेगी, इतने आंसू आ रहे हैं इसको, इसने चॉपिंग करने के बाद अभी इसको ये अलग अलग कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड शी इज़ वेरी मास्टर सेफ काइंड पर्सन, एकदम प्रोफेशनलिस्ट काम कर रही है। सो मैं बस आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आंखों में आंसू आते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाते टाइम। तो गाइस बनाने से पहले अगर आपको प्याज से परहेज है तो किसी और से कटवा लें, सूचना जनहित में जारी। बाय बाय। सो गाइस चॉपिंग हो चुकी है और क्योंकि हम कम क्वांटिटी में ही बनाने वाले हैं तो ये बाउल में अनियन और कैप्सिकम डाल लिया है। आप चाहें तो और भी जो भी आपकी पसंदीदा वेजिटेबल्स हैं आप उसको में मिक्स कर सकते हैं। हमें ऑनियन और कैप्सिकम ही पसंद है, हमें ऑनियन और कैप्सिकम ही पसंद है इसीलिए हमने उसको। सो गाइस तैयारी हो चुकी है, हमें ऑनियन और कैप्सिकम पसंद है इसीलिए हमने वही डाला है। ठीक है, सो गाइस आ गई थी रोनिका की मदर और रोनिका ने स्टार्ट कर दिया है चॉपिंग, कर दी थी और बाउल में डाल दिया। और आप अपनी पसंदीदा जो भी वेजिटेबल्स हैं वो डाल सकते हैं। हमने ऑनियन और कैप्सिकम लिया है और क्योंकि हमें यही पसंद है। और अगर आप चाहें तो जो भी आपको पसंद है, मशरूम, ऑलिव्स, जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। ऑलिव्स हमारे पास थे नहीं, हमें भी पसंद है बट हमारे पास है नहीं इसलिए हमने नहीं डाले। सो इसमें क्या क्या डाल रहे हो आप? मेयोनीज एंड पिज़्ज़ा सॉस। सो मेयोनीज एंड पिज़्ज़ा सॉस के साथ हम जो है अपनी टॉपिंग को मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और साइड में रखते हैं इसको कुछ टाइम के लिए, साइड में रखना है। हैंड वॉश करके आ रही। तो गाइस रोनिका आ चुकी है हैंड वॉश करके, बहुत साफ सुथरी लड़की है, बीच बीच में हमेशा हैंड वॉश कर रही है। सो हम
फोर लोगों के लिए ये बनाने वाले हैं, और हमने फोर ब्रेड्स जो हैं वो ले लिए हैं। ब्राउन ब्रेड्स का हम यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, आपकी पसंदीदा ब्रेड ले सकते हैं। और ब्रेड रखते ही उसके ऊपर लगानी है पिज़्ज़ा टॉपिंग। आफ्टर पिज़्ज़ा टॉपिंग हम कर रहे हैं मेयोनीज के साथ टॉपिंग, और मेयोनीज के साथ हम इसको कवर कर रहे हैं। हमने मेयोनीज डाल ली है और उसको भी हम मिक्स करेंगे। सो गाइस, वो घड़ी आ गई आ गई। पिज़्ज़ा में डलेगा अब चीज़। सो गाइस, वैसे तो नॉर्मली लोग मोज़रेला चीज़ डालते हैं, बट हम अमूल का सिंपल चीज़ डाल रहे हैं, क्योंकि हमें मोज़रेला चीज़ पसंद नहीं है। सो आप इस पे इसको घिस घिस के ज़्यादा सॉस डालिए, सॉस नहीं। सो आप फिर से शुरू करती हूँ। सो गाइस, फाइनली वो घड़ी आ गई है जो जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। अब आफ्टर पिज़्ज़ा टॉपिंग एंड मेयोनीज हमने चीज़ स्प्रेड करना शुरू कर दिया है, और देखिए भर भर के रोनिका मैडम चीज़ डाल रही हैं। अभी सेकंड लेयर भी आई है। यस, दिस इज़ अ फर्स्ट लेयर। और इसके बाद कि हम देखते हैं इसके बाद क्या होने वाला है। वेजिस, फिर देन चीज दोबारा। ओके, ठीक है गाइस। तो ये लेयर डालने के बाद इसके बाद डलेगी वेज। गाइस लुक एट दिस, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल आफ्टर स्नोफॉल ऑफ चीज। तो स्नोफॉल नहीं, यहाँ चीज फॉल हुई है। भर भर के रोनिका ने चीज डाला, और उसके बाद अब हमने वेजी की टॉपिंग करना शुरू कर दिया है। और मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? 1 मिनट में तो बेक हो जाएगा। ओके, प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा। तो ये बेकिंग टाइम इसका बहुत कम है, वो मुझे पसंद आया। जस्ट लुक एट दिस, इट लुक सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, सो एलिगेंट। ओके, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाओ। सो गाइस, रोनिका ने फिर से हाथ धोने चली गई है। रोनिका ने फोर्थ टाइम हाथ धोने गई है। इतनी साफ सुथरी शेफ मैंने आज तक नहीं देखी, इसलिए इस खाने का स्वाद और ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। सो टॉपिंग्स जा चुकी हैं, नेक्स्ट स्टेप है हम फिर से इस पे चीज़ डालेंगे, मतलब फिर से हम स्नोफॉल करेंगे, वाइट वाली चीज़ फॉल करेंगे, चीज़ फॉल। देखिए ये छोटे छोटे हाथ से मास्टर शेफ शुरू करने वाली है चीज फॉल। सो गाइस, फाइनल स्टेज पे हमारा ब्रेड पिज्जा आ चुका है, और देखिए इट लुक्स सो 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 यमी, और बनने के बाद ये और भी यमी हो जाएगा। सो गाइस, अब इसको हम डालने वाले हैं ओवन में, और ओवन में ये होगा 1 मिनट के लिए बेक, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं प्लेटिंग करके। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। सो गाइस, हमारा ये पिज़्ज़ा जा चुका है बेक होने के लिए, और इसको लगेगा 1 मिनट बेक होने में, तब तक हम करेंगे वेट। सो गाइस, हो चुका है हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बेक, और ये आ चुके हैं खाने हमारे रिव्यूअर, जो कि हाथ नहीं निकालेंगे। आप खाना चाहेंगे? सब एक ही जगह से। यस, सो गाइस, इट लुक वेरी यमी, और हम इसको केचप के साथ करने वाले हैं सर्व।
और ये है इसका फाइनल लुक। सो अब ब्रेड पिज़्ज़ा जो है वो आप घर पे बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी टेस्टी। सो ज़रूर ट्राई कीजिए एंड ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू। बाय बाय।